नमस्कार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का विषय आधारित है विकसित भारत संकल्प यात्रा पर। सरकार की योजनाओं को 100% लोगों तक पहुंचाने की एक विराट संकल्पना है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए भारत के आखिरी छोर तक पहुंचना है और लोगों को उन सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है जिनसे वे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारा संकल्प विकसित भारत के उद्देश्य के साथ आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से यह यात्रा देश के सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से गुजर रही है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर आगे बढ़ रही इस यात्रा में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों की सहभागिता हो चुकी है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुँचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से किया, जिसका लक्ष्य 25 जनवरी 2024 तक देश भर में 260,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंचना है। इस यात्रा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 782 जिलों से होकर 1,00,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 5,000 से अधिक शहरी स्थानों तक पहुँच चुकी है। अंत्योदय के दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई इस यात्रा में अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों का अब तक कुल 2 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। इस यात्रा में 80,00,000 से अधिक लोगों की क्षय रोग यानी टीबी की जाँच, 25,00,000 से अधिक लोगों की गैर संचारी रोग व 8,00,000 से अधिक लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जाँच की जा चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक 1,64,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनसे हर परिवार को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। 9,47,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए हैं, जिनमें महिलाओं को धुएं से भरी रसोई से मुक्ति मिलेगी। इस यात्रा के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18,15,000 से अधिक नागरिकों के लिए दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया। 10,86,000 से अधिक व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाया है। ये दोनों योजनाएं पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान 6,79,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि से कार्यशील पूंजी ऋण भी दिया गया। MY भारत को अपनाते हुए 27,31,000 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़ाव की एक महत्वपूर्ण व नई लहर का प्रतीक है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है, और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है, और विश्वास एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है, और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास हासिल करने के लिए नागरिकों और सरकार के सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाती है। यह यात्रा राष्ट्र के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत देती है, जो प्रगति और समृद्धि की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।